नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुंबई पहुंचा 30,000 से ज्यादा किसानों का जत्था, आजाद मैदान में इकट्ठा हुए सभी किसान। यातायात बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर रात भर किसानों ने किया मार्च। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत के लिए बनाई 6 मंत्रियों की कमेटी, दोपहर 12 बजे सीएम से मिलेगा किसानों का प्रतिनिधिमंडल। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का वाराणसी दौरा, आज मिर्जापुर में करेंगे यूपी के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा, पीएनबी घोटाले पर टीएमसी ने राज्यसभा में दिया नोटिस, आंध्र को विशेष दर्जे की मांग पर अड़ी टीडीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। आप और मुख्य सचिव के बीच फिर टकराव की स्थिति, दिल्ली सरकार ने लगाया मुख्य सचिव पर फाइलें लौटाने का आरोप, मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक समेत कई महत्वपूर्ण फाइलें लौटाई। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सैन्य कार्रवाई में 3 आतंकवादी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। तमिलनाडु के जंगल में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 15 लोगों को निकाला गया सुरक्षित, ट्रैकिंग पर गए 10 छात्र अभी भी फंसे। शारजाह से तुर्की जा रहा एक निजी विमान ईरान में दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 260 और निफ्टी में भी देखी गई 75 अंकों की बढ़ोतरी। ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।